बढ़िया एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल रे आपण मानंकु समस्त स्वागत। आज आम क्लास टेन रो इंग्लिश पोएम वीयर सेवेन विषय रे पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करिबा। एही पोएम टी को बा एही कविता टी को रचना करिसंती प्रसिद्ध कवि विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड एंड ऑफ नेचुरल लाइफ। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड रो जने बहुविख्यात कवि थिले। हि रिगार्ड्स नेचर एज ए ग्रेट टीचर एंड हिज पोएम सिक्स टू एस्टाब्लीश एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ इट। हि अल्सो डेबिट्स सिंपल रस्टिक लाइफ इन अ नंबर ऑफ पोएम्स। He is the author of several memorable lyrics such as Daffodils, The Solitary Reaper and Lucy poems. So, let's start stanza number one. A simple child that lightly draws its breath and feels its life in every limb. What should it know of death? A simple child, that means jane sorolo niriho jhioti. A simple child ortho eko sorolo ebong niriho jhioti niriho pilati that lightly draws its breath je ki khub haluka bhabore swaso praswaso ni. Lightly draws its breath means यार अर्थ होची बहुत हालुका भाव रे श्वास प्रश्वास निए एंड फील्स इट्स लाइफ इन एवरी लिम एवं निज को से खूब जीवंत एवं उल्लसित मन करे खुशी मन करे। व्हाट शुड इट नो ऑफ डेथ से मृत्युर दुख विषय रे किछि भी जाने नहीं। स्टंजा नंबर टू। I met a little cottage girl. She was 8 years old. She said her hair was thick with many a curl that clustered round her head. Little cottage girl. Cottage girl अर्थ कुड़िया रे रहुथिबा छोट कुड़िया रे रहुथिबा झियोटी। कवि कहुछंती I met a little cottage girl. मु गोटे कुड़िया रे रहुथिबा झीटी को भेटिली। सी वाज 8 years old. सी सेड से झीटी कहला से 8 वर्षर बोली। हर हेयर वाज थिक विथ मेनी ए कर्ल झीटर मुंडर चारिपटे मोटा कुंचुकुंचिया केशगुच्छ सब एकाठी पड़ रही था। क्लस्टर्ड दैट क्लस्टर्ड राउंड हर हेड जहाँकि मुंडरे क्लस्टर्ड राउंड अर्थ एकाठी गोटे स्थान रे एकाठी गोटे जगार मिसिकी रही थिला। सी हेड ए रस्टिक वुडलैंड एयर एंड सी वाज वाइल्डली क्लाड। हर आईज वेयर फेयर एंड भेरी फेयर। हर ब्यूटी मेड मी क्लाड। से झीटी जो शरीर रस्टिक ग्राम्य आउ वुडलैंड एयर वुडलैंड अर्थ गोटे छोटिया स्मॉल फॉरेस्ट जहाँकि क्षुद्र जंगल एयर अर्थ एठारे भावभंगी को बुझा। से झीटीर भावभंगी केमितिका थिला ना ग्राम्य आउ जंगली भावभंगी थिला। एंड सी वाज वाइडली क्लाड। से वाइल्डली क्लाड मीन्स जत्नहीन भाव पिंधि था पोशाक से जत्नहीन भाव में पिंधि। एंड सी वाज वाइल्डली क्लाड। हर आईज वेयर फेयर एंड भेरी फेयर। तार आखि गुड़िक बहुत सुंदर अति सुंदर थिला। हर ब्यूटी मेड मी क्लाड। से झीटर सौंदर्य कवि को आनंदित करथिला खुशी करथिला। ब्यूटी झीटर ब्यूटीनेस सौंदर्य
रे कवि विमोहित हो जाइए। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लिटिल मैड हाउ मेनी मे यू बी हाउ मेनी सेवेन इन ऑल सी सेड एंड वंडरिंग लुक्ड एट मी। कवि झी को पचारे तोर केते भाई भौनी अछंती हाउ मेनी मे यू बी हाउ मेनी केते जण सेवेन इन ऑल झीटी कहला सात जन एंड वंडरिंग लुक्ड एट मी एवं से कवि को आश्चर्य रे चाह कहला से माने समस्ते मिसी सात जन बोली। एंड हुआर आर दे आई प्रे यू टेल सी आंसर सेवेन आर वी एंड टू ऑफ अस एट कॉनवे ड्वेल एंड टू आर गोन टू सी एंड हुआर आर दे आई प्रे यू टेल एठारे प्रे अर्थ रिक्वेस्ट कविता को अनुरोध करी पचारि एंड हुआर आर दे से माने केउठारे अछंती सी एंड सॉल्व मीन्स झीटी उत्तर देला सेवेन आर वी आम सात जन एंड टू ऑफ अस एट कॉनवे ड्वेल कॉनवे ड्वेल अर्थ गोटे कबरस्थानटीर ना एक कबरस्थानटीर ना ड्वेल माने बसवास करिबा टू ऑफ अस एट कॉनवे ड्वेल अर्थात से माने सेई कबरस्थान रे कॉनवे ड्वेल अर्थात कबरस्थान रे बास करछंती एंड टू आर गन टू सी एवं आउ दुई जन समुद्र को जाइछंती एई कथा झीटी उत्तर रे कहला। टू ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई माय सिस्टर एंड माय ब्रदर एंड इन द चर्च यार्ड कॉटेज आई ड्वेल नियर देम विथ माय मदर। टू ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई झीटी कहला से सात भाई भौणी मध्यरु तार जने भाई आउ जने भौणी माय सिस्टर एंड माय ब्रदर जने भाई आउ जने भौणी एबे चर्च को लगी जो समाधि से तारी भीतर अछंती। टू ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई चर्च को लगी जो समाधि रे से माने अछंती एंड इन द चर्च यार्ड कॉटेज आई ड्वेल ड्वेल अर्थ बसवास करिबा लिव आई ड्वेल नियर देम विथ माय मदर एवं मु मो माँ सहित आम से चर्च संलग्न जो कबरस्थल रही तारी निकटवर्ती गोटे कुड़िया आम रोच एक कथा कवि को झीटी कहला। यू से दैट टू एट कॉनवे ड्वेल एंड टू आर गन टू सी येट ये आर सेवेन आई प्रे यू टेल स्वीट मेड हाउ दिस मे बी। कवि पुणी थे पचारुछंती झीर उत्तर आश्चर्य हो से पुणी पचारे से झील को प्रश्न करछंती तू कहिलु कबर को जीवापर और दुईज समुद्र को जीवापर से माने किपर सात जन हो रही तू कह एक से पचारुछंती। यू से दैट टू एट कॉनवे ड्वेल तू कहिछु दुईज कॉनवे ड्वेल अछंती अर्थात से कबरस्थल अछंती एंड टू आर गन टू सी एवं आउ दुईज सी को जाइछंती समुद्र को जाइछंती तथापि इयर सेवेन पुणी तू कौ सेवेन आई प्रे यू टेल तेणु मु तेज अनुरोध करी पचारूँ तेज अनुरोध करुच्छी स्वीट मेड हेज यो हाउ दिस मे बी एट केमी तू मत बुझे कह। देन डिड द लिटिल मेड रिप्लाय सेवेन बॉयज एंड गर्ल्स आर वी टू ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई बीनीथ दि चर्च यार्ड ट्री। देन डिड द लिटिल मेड रिप्लाय तापरे से झीटी उत्तर देवि यह प्रश्न रे उत्तर दे से छोट झीटे कहला मेड रिप्लाय उत्तर दे से कहला जे से प्रकृत सात भौणी सेभेन बॉयज एंड गर्ल्स वी आर से प्रकृत सात भाई भौणी टू ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई से भितर दुईज कबर भितर अच्छा बीनीथ दि चर्च यार्ड ट्री कौटी ना गछ तले थिबा कबर भितर अच्छा। यू रन अबाउट माय लिटिल मेड योर लिम्स दे आर एलिव इफ टू आर इन द चर्च यार्ड लेड देन यू आर ओनली फाइव। तापरे यू
रन अबाउट माय लिटिल मेड। कवि झी को कहले जे तार अंग सब प्राणवंत देखा जाउछि, योर लिम्स दे आर एलिव, प्राणवंत देखा जाउछि। इफ टू आर इन दि चर्च यार्ड, जदि तार दुई भाई भौनी कबर भितर रहिछन्ति। इफ टू आर इन दि चर्च यार्ड लेड, जदि दुई जन कबर भितर रहिछन्ति। देन यार फाइव ओनली फाइव, ताले समानको छाडी केवल पांच जन रहिबे। एतिकी थिला वन टू नाइन पर्यंत थिबा स्टांजार आलोचना। आशा करछि भिडियोटि निश्चित भाव भल लगे। भिडियोटि लाइक शेयर कमेंट करेंगे और चैनल टी सब्सक्राइब करनथिले दयाकरी सब्सक्राइब करदे। थैंक यू।